देखो जी, दिवाली की सफाई बोली और शुरुआत कर ही दी सर ने। पहले था हमारा कि हम ना जो ये कब आप सजेस्ट कर सकते हो कि हमें यहाँ एक तो रहनी चाहिए यार। अब आई जी दिखाना तो हम भूल गए थे आपको, ये देखो। हे गाइज, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, हम भी एकदम बढ़िया है। तो गाइज, आज वीकेंड है, तो वीकेंड का सैटरडे आज। तो यार आज सुबह से ना मैं और ध्रुव कुछ नहीं किया है पूरे दिन। आज हमने डिसाइड किया था कि आज से हम दिवाली की सफाई शुरू कर देंगे, बट थोड़ी बहुत ही करी, उसके बाद ना ऐसा लेजी सा फील हो रहा था। बट अभी हम जो करने वाले हैं ना वो बड़ा स्पेशल रहेगा। आज हम किसी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, उसके साथ साथ हमारी दिवाली की सफाई भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। थोड़ी थोड़ी करेंगे तो दिवाली तक खत्म तो हो ही जाएगी। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। मैंने पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं खा रही हूँ ये। आजकल उसको खाने का बड़ा मन होता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा आज वीकेंड है, वीकेंड में सब माफ। बट मैंने ना दो लाए है, ये मंचाओ वाला लाया है और दूसरा है चिली कप नूडल। तो इन दोनों में से मैं मंचाओ ही खाती हूँ, चिली पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं एक बार ध्रुव से भी पूछ लेती हूँ, उसको खाना होगा बट वो नहीं खाएगा, मुझे नहीं लगता वो खाएगा। पहले तो मैं उनको और सेवी को देखती हूँ, वो है कहाँ पे है। सेवी तो यहाँ पे आ गया भाई। सेवी को तो कैमरा दिख जाता है ना जब। सेवी हेलो, आ जा ऊपर आ जा। हाई फाई नहीं करनी होती। कैमरे से इसको भी प्यार हो गया। ये भी कैमरा जब अभी तक गहरी नींद में गया हुआ था ये, और जैसे ही उठा अभी देखना यहाँ पे ना, एक्चुअली गाइस हमने ना वो मनी प्लांट लगाया हुआ था यहाँ पे, बट वो यहाँ से हटाना पड़ा क्योंकि जो ये शैतान है ना, ये शैतान दिख रहा है आपको, ये सारे पौधे खा जाता है जो भी यहाँ पे हम लगाते हैं, इसीलिए यहाँ से हटाना पड़ा वो है। से भी ध्रुव का है, ध्रुव को ले क्या। और गाइस जो यहाँ पे लाइट जलती है ना, यहाँ की लाइट से डर जाता है ये, क्योंकि जो ये वाली लाइट्स है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, जो वाली लाइट्स है ना, जब हम मरे परे चलते हैं ना और जैसे अंधेरा जैसा हो जाता है तब ये ऑन होती है, तो इससे ना सेवी को बहुत डर लगता है, तो जैसे ये जलती है भाग जाता है यहाँ से। मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। तो आपको गुड मॉर्निंग ही बोलना पड़ेगा क्योंकि आप बढ़िया नैप लेके। मतलब थोड़ा शायद बीमार भी फील हो रहा है। गर्म हो। गरम तो नहीं पर यार गरम लग रहा है, पता नहीं क्या। ये होता ही है वीकेंड में सुस्ती। और देखिए ये भी बैठ गया आपके साथ। ये मनी प्लांट है, ये हम अंदर से लाए क्योंकि ये सेवी अंदर खा रहा था। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि सेव है ये यहाँ पे। अरे से उसने लाया, इसको धूप हफ्ते में दो हफ्ते में एक बार ना सिखानी पड़ती है। फिर अंदर ही रखना यार है। कोई नहीं अब रख देंगे। आपके प्लांट्स कैसे चल रहे है। बाकी कुछ नहीं चल रहा, नहीं यार ये वाला तो अच्छा चल रहा है। तो देखो यहाँ ये बढ़िया चल रहा है, और ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है बढ़िया ही चल रहा है, पता नहीं। दिन में ना सो के बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको जब उठा हो ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब अभी नींद में हूँ और सोना था, और सो के ही नहीं है। पर आपके फेस में ग्लो काफी अच्छा था, आप देख रहे हो ग्लो कितना अच्छा आ गया मेरे फेस में इस टाइम, क्योंकि रेस्ट ले रहा हूँ। मैंने सोचा वीकेंड का दिन है और वीकेंड में आपको फुल आराम करना चाहिए। ऐसे तो ऑल दो अपने बहुत सारे प्लान्स थे कि भाई बाहर जाना है, फिर ये काम करने वो काम करने, मैंने सोचा कि छोड़ो आज अपने आप को मी टाइम देते हैं और बढ़िया से रेस्ट करते हैं। इवनिंग टाइम में तो यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है, लोग पार्क में आना शुरू हो जाते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए जी। और ऊपर दिवाली क्या बात है, क्या ही ज़बरदस्त व्यू है। धीरे धीरे बच्चे एंड लोग ना पार्क में आते हैं, घूमते फिरते हैं। बाकी हमारे ऊपर वालों ने तो अपने पर्दे भी धो लिए दिवाली में, देख रहे हैं। नीचे वालों ने भी। गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन इसको खाता है, कप नूडल, मंचाओ वेज कप नूडल्स। और अपनी चिल्ली वाली क्यों लाई है, चिल्ली कहाँ लिखा है इसमें, अंदर पड़ी थी एक चिल्ली वाली, वो दूसरा होगा चिली पनीर होगा। अंजना जी जब तक आपने खाना है तब तक मैं सेवी को घुमा के आता हूँ, ठीक है। ओहो गाइस सनसेट हो गया, वरना आपको ना मैं सनसेट दिखाता पक्का, बड़ा बढ़िया सनसेट आता है यहाँ से व्यू। तो चल चले। ओए ओए बाबा, ओए बाबा, घुमाते फिराते इसको, फिर अपनी दिवाली की सफाई कर लेगी कौन कौन। सेवी की
मेरी वॉक डन हो चुकी है। मैं इसको ना वैसे ही ले गया था पार्क वाली साइड, तो भाई साहब हाँ तो एक्साइटेड हो जाता है सेवी काफी ज्यादा ना, जैसे बात देखता है। मैंने सोचा कि चलो क्यों इसका मन मान ना, ले चलते इसको घुमा देते हैं पार्क के अंदर भी। क्या चीज निकाल दो, चेयर की जरूरत नहीं है, हाइट है इतनी तो ये फोटो बहुत लोगों को यहाँ अच्छी नहीं लग रही है। देखो जी दिवाली की सफाई बोली और शुरुआत कर ही दी सर ने। बाहर की साइड को, और जब कमेंट्स आया था ना फिर मैंने देखा ओहो। वैसे गाइस ऐसा नहीं है, मेरे को भी ध्यान था बट वो एकदम स्किप हो गया ना बाहर से, क्योंकि आते हैं जाते हैं वो लिफ्ट हमारी यही सामने है तो हम आपको पता ही नहीं चलता यार, फिर इतना ध्यान नहीं रहा। आज हमें पता चला तो सबसे पहले हमने ये काम किया, और सेकेंडली ध्रुव ये फोटोज के लिए भी बहुत कमेंट्स आते हैं, और यहाँ के लिए जब हम दिवाली की शॉपिंग करने जाएंगे ना तो यहाँ के लिए हम अच्छा सा वॉल पर देखेंगे एक, बाकी कुछ नहीं लगाना बट यहाँ पे वॉल पर लगाएंगे क्योंकि ये फोटो पेंटिंग है कुछ और हाँ कुछ भी देखेंगे यहाँ डाइनिंग एरिया के पास निकाल देते हैं, ये अच्छी लग रही है यहाँ पे। सही बात है, चलो गाइज इसको सोचते हैं, इसको या तो अपने कमरे में लगाएंगे है ना ठीक है, या इसका कुछ जुगाड़ काम तो हाँ। अब हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं ना वो है ये कमरा जो बिल्कुल मैसअप। बिफोर देख लो भाई इस कमरे को आप, अभी ये है जी बिफोर, अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है आफ्टर में। तो चले ध्रुव अब हम क्या करने वाले हैं, पहले आप बताओ हम क्या करने वाले हैं। एक्चुअली में हमें क्या दिक्कत आ रही है, हमारा गद्दा तो सही जगह लगा है पर हमारे ना इस साइड भी ना स्पेस है ना उस साइड स्पेस है, दोनों जगह स्पेस फंस रही है, तो हम सोच रहे हैं इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इसको अपने रूम में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्रोसेस करते हैं ताकि ये कमरा खाली हो जाए और अच्छे से, क्योंकि आज लंच में तो हम आते ही है। ये जो मैट्रेस है ना यार इतना कंफर्टेबल है ना क्या बोलूं मैं, बहुत मजा आता है यहाँ पे, शेप ले लेते हैं पूरा, हाँ सोने का मजा आ जाता है, बहुत मजा आता है। तो हम कभी कभी यहाँ भी सो सकते हैं ना, बहुत पॉजिटिविटी सी आती है, तो उसमें तो हम सो भी सकते हैं। तो गाइस अभी हम शुरू हो जाते हैं फिलहाल, ध्रुव की इसमें भारी था और ये आइडिया ध्रुव का ही था पहले, फिर हमने इसमें बोला हाँ यार ये आइडिया सही है, तो मैं ध्रुव की हेल्प कर लेती हूँ पहले, मतलब दोनों मिलकर हेल्प करते हैं पहले, कुछ भी यहाँ पे रखते जो जो काम करते रहोगे आप वो बताते जाना। जो ये कवर्ड और स्टडी टेबल है वो बेच देते हैं है ना, हाँ जी बट तो फिर बड़े होते हैं ना हर काम हर चीज काम आती है, अब इसका इतना रेट मिलना नहीं आपको और पैसे अभी ज्यादा खर्च हो जाते हैं। बोला चीजें बनाना मुश्किल है बेचना बहुत आसान है, तो पहले इसको यहाँ से शिफ्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस मैंने गद्दा शिफ्ट कर लिया इधर से उधर, अपनी अलमीरा इधर सेट कर दिया है, उसके ऊपर सामान रखता हूँ, बाकी की सेटिंग अंजना करेगी क्योंकि मेरा मेन काम था ये वाला रखना, तो ये चीज़ मैंने रख दी है अच्छे से, वीडियो पे डाल देते हैं ऊपर, फिर संध्या टाइम भी पूजा भी करेगी। अब जितना भी सब कुछ है आप सेट कर लो, मैं अपना रूम सेट करता तब तक। हाँ ये अच्छा लग रहा है, नहीं 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 लड़की मेरे को पता क्या लगा क्योंकि जो उस साइड को सोएगा, अभी तो हमने इसकी बेडशीट और इसके ये पिल्लो चेंज करने गए, हम अभी फिलहाल ये बोल रहे कि जो साइड सोएगा उसको पानी की बॉटल रखनी होती है, अपना सामान होता तो कहाँ रखेगा, इस साइड को नहीं रखना। नहीं भाई पूरा ध्यान रखा है तूने, मान गए तुझे है ना। और यहाँ पे अब कैसा लग रहा है गाइस, दूर से दिखा बाहर से गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं अब पहले से ठीक लग रहा है, खुला ढूंढा बेटर लग रहा है कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन डन है कि नहीं है। अब ये ठीक हो गया काफी, अब ये भी इसमें भी इतना गैप आ गया, और क्या बोलते हैं कवर उधर चली गई, उसके पीछे थोड़ा सामान है, कवर थोड़ी इधर भी हो सकती है, वैसे बाहर आपकी स्पेस है बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है अब लग रहा है थोड़ा कमरा की ठीक है भाई। हाँ बस गाइस अभी बेडशीट वाली है इसको थोड़ा इग्नोर करना, इसको हम दिवाली के लिए अच्छा मिलेगा ये कमरा, बाकी ये सेट डन हो गया। ये रूम आपके कमरे में कैसा लग रहा है, आपके लिए हमारे कमरे ये भी तो है टेबल यार, ये भी तो जाना है, एटलीस्ट यूज हो जाएगी ना जगह, अब दो दो और लोग यहाँ पे। अब कमेंट सेक्शन में बताए हमें ये स्टडी टेबल यहाँ पे रखना चाहिए या फिर हमें ये ओएलएक्स पे डालना चाहिए,
बता सकते हो पर ठीक है, यूटिलाइज हो जाएगा ना स्पेस। अब कुछ भी रखना है हम इस पे रख सकते हैं, सामान वगैरह रख सकते हैं, है तो है इसमें चार्जर वगैरह, अपने सामान तो बहुत है इसमें, वैसे नीचे भी आ जाएगा। मतलब अभी हमने ये सोचा है, और एक चीज और सोची है, जो हमारी वो वेडिंग फोटो है मैं सोच रही हूँ यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं अपनी सिंगल वाली, और उसको इधर मैं बताती हूँ जरा। अंजना के दिमाग में बहुत आइडियाज आ रहे हैं आज, खुराफाती आइडियाज। ये अंदर रूम में लगाते हैं, और यहाँ जो ये हमारी दोनों की साथ में, इसको यहाँ पे लगाते हैं, फिर एक ही पिक्चर तो अंदर अंदर वाली कहाँ लगाएंगे? अंदर वाली के साथ ही लगाते हैं। अच्छा एक और कर लेते हैं। हाँ जी ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। पहले बताओ अच्छी लग रही है? ठीक है। एक बार यहाँ पे इन दीवारों पे गाइस होल हो गया था, बड़ा मुश्किल होता है निकालना, इसीलिए सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि दीवारें बड़ी कच्ची है, इसमें अंबुजा सीमेंट यूज नहीं किया है। अंबुजा सीमेंट यूज नहीं किया है इसमें, यार ठीक है यार यहाँ पे। हाँ पर ये कल को अगर टीवी लगाना पड़ जाए फिर निशान रह जाएगा। तो गाइस ध्रुव का एक दिवाली बम्पर धमाका, ये जो लाइट है ना ये देखो कैसे जलती है, ध्रुव जलाना रूम के अंदर बढ़िया। ये देखो आप, ये तो अभी लाइट जली है ना साइड में इसलिए नहीं दिख रही, पहले वाले में बढ़िया अजीब लग रही थी। कलर इसका यही है ग्रीन, नहीं अलग अलग कलर है, ग्रीन ही है ये तो, बीच में पूरा एक गैलेक्सी जैसा बना लेता है ना सिस्टम। अच्छा ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो अगर अंधेरा हो जाए ना तो और ज्यादा अच्छे से दिखता है इसमें। बता ही नहीं रहा मुझे क्या चीज, एक ठीक लगेगी ऐसे वॉच के नीचे, नहीं पर वॉच के एकदम नीचे ऐसे, नहीं ड्रीम कैचर के साथ ड्रीम कैचर का यहाँ लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ यार अच्छी लगेगी, हाँ ऑब्वियस बात है, ये देख हाँ ठीक लग रही है यार। ड्रीम कैचर यहाँ लगा लेते हैं ना इसलिए मैं यहाँ फोटोज के सामने, जरूरी है दो दो ड्रीम कैचर लगाने हैं। ड्रीम कैचर मेरे को भी तो अच्छे सपने आने चाहिए। हाँ ठीक है यहाँ अच्छी लग रही है, वही ना अच्छी लग रही है, अलग से नहीं नहीं सीधी लगी है, सीधी लगी है तो यहाँ से हटा रही थी मैं जी सीधे पड़ा। अब शायद एक फोटो तो यार हमारे ड्राइंग रूम में शादी की रहनी चाहिए, आराम से लगाइयो। नहीं यार ये बाहर निकल रही है, ये अंदर लगाते हो यही रहने देते, फिर ऐसा करना पड़ेगा है। हाँ। यार बड़ा वो उसी हिसाब से लगाई थी ना कि हाँ, एक फोटो हमारी यहाँ पे है ऐसे, और एक फोटो हमारी यहाँ पे है। हाँ अच्छी लग रही है वो भी वहाँ पे, बस ये सिंगल वाली वही रहने देते अभी फिलहाल, ये इस फोटो के लिए ही बनी है जगह यार सही में। कोने में मेरी फोटो, एक कोने में मम्मी की फोटो, नारी शक्ति इधर कुछ नहीं है। इधर अब हम एक अच्छी सी चीज लेंगे, आप सजेस्ट कर सकते हो कि हमें यहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर कौन सा वॉल पर मतलब किस टाइप का लेना चाहिए, तो देखेंगे। बाकी हम भी इंटरनेट पे देखते हैं कि हमें किस टाइप का यहाँ पे चीज कुछ लगानी है, तो बहुत जल्द हम लगाएंगे क्योंकि अब हमारी दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है। हाँ, शुरू हो चुकी है आज, इसका तो जबरदस्ती था गाइस, जबरदस्ती लगाया मैंने यहाँ, रुक कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं ये कमरे। यार एक टल भी रहा था ना काफी टेंशन, भारी भरकम काम ये था, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। बस थोड़ा सा ये है कि मैंने वहाँ पे अपना करवा चौथ का सामान रखा है, ये मुझे देना है अभी ना, सुहागी है ये, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, खुला डुल्ला लग रहा है, वरना पूरा वो रखा था मेस्टअप जैसा वो रखा था। चलो ठीक है यार बढ़िया हो गया, अब आप पूजा पाठ करो। यार मेरे को ना एक दिवाली का सूट देने जाना था, दिवाली के लिए सूट देखने देने देखने नहीं सिलने के लिए देने जाना था, कल चलेंगे। लेट नहीं हुआ है गाइस, लेट नहीं हुआ है, निकलने का मन नहीं कर रहा है एक्चुअली, आज पता नहीं क्या है पूरा घर में, मतलब यार अब इतना आप बताओ गाइस, 5 डे वर्किंग होता है मेरे ऑफिस में, उसके बाद ब्लॉग्स रोज डालने हैं, एडिटिंग करनी है, तो थोड़ा एक दिन तो रेस्ट मैं भी मांगता हूँ अपनी बॉडी के लिए। चलो यार आप बॉडी के लिए रेस्ट मारो, 5 डे को ये बॉयज गेट उसमें गए थे ना, सॉरी बॉयज डे ऑफ में, तो आज पूरा रेस्ट कर दिया आज, मैं अभी नहीं बोल रही, ज्यादा काम भी नहीं करवाया आज मैंने, बस ये था थोड़ा कवर्ड अकेले नहीं होने की, मैं डिनर पूजा कर लेती हूँ। हाँ पूजा कर लो आप, डिनर की तैयारी करो। हाँ।
मैं भी इस ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह करता हूँ। बाकी गाइस जो जो हमने आपसे सजेशन मांगे है, जो जो भी हमें आप अच्छे सजेशन दे सकते हो वो दे, और हमें आपके सजेशन अच्छे भी लगते हैं और हम वो सुनते भी, ऐसा नहीं कि हम नहीं सुनते। आपने बोला फोटो हटाओ, हमने हटाई, हमें भी अजीब लग रही थी, तो ठीक है देख लो। बाकी अब आगे भी आप बताए जो हमने आपसे पूछा है। होप आपको हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा हो। छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन था बट करना जरूरी था, कोशिश हमने पूरी करी है ट्रांसफॉर्मेशन की, अच्छी भी होगी। थोड़ी बहुत चीजें इधर से उधर करिए पर स्पेशियस हो गया रूम, थोड़ी बहुत चीजें और करनी है। शाम को जब पापा आते हैं ना तो पापा से भी हम डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ी बहुत कल आप लोगों के भी कमेंट सेक्शन में कुछ आ जाएगा सजेशन, तो हाँ। सारा मिलके जो बनेगा वो एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। हाँ। बाकी अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। वी होप कि आपके ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड देखते रहे ध्रुवंजना ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स। बाय बाय। भाई जी ये दिखाना तो हम भूल गए थे आपको, ये देखो लाइट जलती है ड्रीम कैचर में। अच्छी लग रही है लाइट की, नहीं क्या बोल रही है? ये वाली दीवार खाली है, लगाते हैं ड्रीम कैचर में या एक काम कर लेते हैं यहाँ यहाँ टांग दे इसमें ऐसे को। नहीं यार नहीं, अपने वो गेस्ट रूम वाली के कवर में टांग दे। गुड वाइब्स ओनली, पता कहाँ है? मैं दिखाऊं तेरे को, यहाँ देख कहाँ है यार। ये लगाते हैं पहले यहाँ पे फिलहाल। गुड वाइब्स ओनली। फिलहाल के लिए बीचों बीच लगाना है। फिलहाल के लिए इसको मोड़ दो, थोड़ा सीधा कर दो। गुड वाइब्स ओनली, ठीक है कुछ तो चेंज आया।